बेटी को ससुराल विदा कर दो तब भी मायके से बेटी की ममता जाती नहीं, वो मायके में ही रहती है, जानी भी नहीं चाहिए, बुरी बात नहीं। परंतु हमारे मायके की व्यवस्था मधुर हो, सुंदर हो, व्यवस्थित हो, इसलिए हमको अपने घर में जो अपना मायका छोड़ करके बहू आई है उसी को प्रमुखता रखते हुए अपना व्यवहार विवाह के बाद करना चाहिए। इससे दोनों पक्ष प्रसन्न रहते हैं। आप जहां गई वहां प्रसन्न रहेंगी और यहां जो आई है मायका छोड़कर उसको अपनी मायके की याद नहीं आएगी। बेटा ये सब तुम्हारा है, संभालो, हमको तो जो कहोगी उतना ही करूंगी मैं। यहां यही बात, बेटी पिता और मां से ममता छोड़ नहीं पाई। भगवान शिव ने कितना समझाया, करी देखा बहु जतन हर रही न दक्ष कुमार दिए मुख्य गण संगत विदा के। पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास का हो न सन सादर भले ही मिली एक मार भगिनी मिले बहुत आदर पूर्वक माँ जी मिली। मेरी लाडली आ गई। बहनों ने मुस्कुराकर चिढ़ाया, अकेले? दक्ष जी ने तो देखा पूरे बदन में आग लग गई सा। क्यों? इसलिए नहीं कि बेटी क्यों आ गई, दक्ष जी की समस्या ये बन गई कि यदि आगे आगे ये आई है तो पीछे से वो भी आ जाएंगे। यहाँ एक सिद्धांत है, पत्नी को मायके में बहुत दिन नहीं छोड़ना चाहिए। शिव बाबा का सिद्धांत, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर बाद मोहल्ले वाले कहते हैं कब जाओगी, तेरे घर में रहती हैं क्या, हमारा घर है, हम महीनों रहें, 6 महीना रहें। नहीं, जिनकी गरज नहीं है वो मोहल्ले वाली बुआ भी जरूर आएंगी। काफ़ी दिन हो गया, झूठ है, हो गया तो हो गया, तेरा कह जाता है, रहने वाले नहीं देते साहब, समाज में रहना है, सबकी सुननी है, सबकी कहना है। भगवान शिव के भय से दक्ष घबराए, परिवार का व्यवहार देखकर सती अम्बा को वो बात चढ़ गई जो शिव जी ने कहा था। यज्ञ मंडप की परिक्रमा प्रणाम पूर्वक करते हुए सती अम्बा माँ को आवेश आ गया। शिव बाबा ने जो कहा उसका माँ बार बार स्मरण करती है, अच्छा ही हुआ शिव बाबा मना किए, मान जाती तो। देखिए, किसी के द्वारा कही गई बात इतनी बार न ठुकरा दें कि वो कहना बंद कर दे। यही हुआ, हम जब किसी के द्वारा मना करने पर भी गलती बार बार करते हुए रहते हैं तो बाद में प्रकृति है, अब क्या करोगे, परिस्थिति आ गई। शिव जी ने मना किया, करी देखा बहु जतन हर रही न दक्ष कुमार, अब वापस जाऊंगी तो क्या जवाब दूंगी। मां ने विचार किया, अब जाऊंगी ही नहीं, क्या करूंगी, यही मर जाऊंगी। देखिए, मरना कोई सरल प्रोग्राम नहीं है, बहुत कठिन कार्यक्रम है। उसको लाला को पहनाते हैं, आलपिन बोलते हैं ना, आलपिन लाला को पहनाते, कुछ जाए तो बहुत देर तक दर्द होता है, मरने में कितना कष्ट होता होगा, नाखून काटते काटते थोड़ा ज्यादा कट जाए, अरे कट गया, आदमी ऐसा करता है, कट गया, और रात में तो उसमें और दर्द होता है 2 बजे के बाद, बहुत दर्द होता है साहब। इसलिए माताएं तो काटती नहीं कि दर्द हो ही नहीं, छुट्टी, सीधा सीधा प्रोग्राम है, बढ़ जाए तो काटेंगी, नहीं तो दर्द होता है। हाँ, आज समझ में आया माताएं क्यों नहीं काटती है नाखून, क्या बात है, दर्द होता है, लेकिन माँ ने ठान ली अब जान दे दूंगी,
और सबको सजा करूंगी। देखिए गलती हमारी, जब हमारी गलती इतनी हो कि हम अपने को भी क्षमा नहीं कर पाते हैं, तब हम जान दे देते, तब हम मरण ठानते। कई लोग तो कहते हैं अब मैं मर जाऊं। अरे काहे मर रहे हो भैया, मानव का जीवन मिला है, दूध पी रहे हो, मलाई खा रहे हो, सेब खा रहे हो, आम के सीजन में आम पा रहे हो, मट्ठा खा रहे हो, क्या क्या, सुबह दोपहर शाम 3 बार चाय पी रहे हो, मानव का जीवन है, मर गए न जाने कैसा जीवन मिलेगा। इसलिए मरने का प्रोग्राम तो भैया पोस्टपोन करके रखो। मनुष्य का शरीर बड़ा अनमोल है, परमात्मा श्री रघुनाथ जी ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, मरिए मत, इसको ठीक से जियो, खूब आनंद में मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी। सती अंबावेश में बोलने लगी, सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहु, फल तुरत लहब सब काहु, भली भांति पछताव पिताहु, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तहां यस मर जाता, काटिय तासु जी भिज बसाई, जेहवा काटे निंदकी मोदी नत चलिय पराई, जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद मति निंदत तेहि, पिता मंद मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजी हम तुरत देखते हे तो, गुरुधर चंद्र मौल वृष के तो, गुरुधर चंद्र माँ सबको डपटते हुए माता जी ने योगाग्नि में बदन को प्रवेश करा दिया। बाबा बोले अस कही योग अग्नि तनु जारा भय सकल सदों, पिताजी मुनियों सब लोग कान खोल कर सुनिए, कही और सुनी, कही और सुनी, करी माने नहीं कहा, कही सुनी, क्यों, करी में अपने आ जाएंगे। कई लोग बोलते हैं सबको ईमानदार होना चाहिए और हमको बेईमान होना चाहिए, ऐसा क्या, जिन्होंने यहां कही और सुनी किसकी, शिव जी की निंदा, सबको सजा मिलेगी, दूसरे को सजा बाद में दिया जाए, अपने को सजा माने दे लिया हो। संत भगवान शिव श्रीपति वैकुंठाधिपति, इनके निंदा करे जो सुने, करने वाले की बस चले तो जिह्वा काट ले, नहीं तो कान बंद करके वहां से भागे। यहां यज्ञ मंडप में उपस्थित सभी लोग निंदा में सम्मिलित, इसलिए सबको सजा होगी। क्या, असकहि जोग अग्नि तनु जारा, मां योगाग्नि में प्रवेश कर गई, यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया, गण लोग जो गए थे उन्होंने यज्ञ विध्वंस किया। एक ने सूचना दिया भगवान शिव को, शिव बाबा कोप करके वीरभद्र को भेजे हैं, दक्ष की गर्दन उड़ा दी, पूषा के दांत तोड़ दिए, भृगु जी की दाढ़ी नोच डाली, आहा, जथा योग सबको सजा मिली, दंड प्राप्त भया। भगवान ब्रह्मा भगवान श्रीहरि आए, शिव जी को बुलाया गया, तब दक्ष की गर्दन बकरे की बनी लगा दी गई, पुषा को दांत प्राप्त हुए, भृगु की दाढ़ी व्यवस्थित हुई,
और भगवान शिव की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ साक्षात विष्णु स्वरूप है, तो भगवान का उत्सव है, इसलिए भगवान ही पूर्ण करते हैं। अस्तु भगवान की प्रार्थना करके ही यज्ञ में गति करनी चाहिए, अहम में नहीं। श्रद्धा समन्वित होकर जब हम यज्ञ करते हैं तो हमको उसका फल प्राप्त होता है। और बहुत अच्छा कि हम फल की कामना न करें, ये तो और श्रेष्ठ है। सामान्य जीव हैं हम, आप फल मुक्त नहीं हो पाते, चाहते ही हैं। सती अम्बा ने हृदय में शिव जी को उर्धल चंद्र मौलि वृष केतु चंद्रशेखर भगवान शिव को हृदय में पधराया और तब योगाग्नि में प्रवेश किया। जाते जाते सती अम्बा, सती मरत हरि सन्नु बैरुमा, सती मरत जनम जनम शिव पद अनुरागा, जनम जनम शिव पद अनुरागा, तेहि कारण अम्बा ने जाते जाते भगवान श्री हरि अर्थात श्री रघुनाथ जी से राम प्रभु से प्रार्थना किया, क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। पटी नहीं? सती अम्बा की शिव जी से कभी पटी नहीं, लेकिन वर क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। क्यों? जब पटी नहीं तो खटपट हो जाना चाहिए, क्यों वही मांग? बार बार यही मिले? देखो, आप आदमी का एक स्वभाव है, क्या? जिसके साथ रहता है उसमें कमी ढूंढता है, अच्छाई नहीं देखता, और जिससे दूर है उसमें वो अच्छाई ढूंढ लेता है। बहुत अच्छे इनसे वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दूर हैं। कई लोग कहते हैं साहब क्या बताएं, एक वो उनका परिवार, एक मैं, एक मेरा परिवार। अरे साहब, कहने लायक नहीं। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि उनके परिवार से अपना वाला ज़्यादा अच्छा है। हम तो पूरा देश घूम रहे हैं ना, जहाँ जाते हैं यही देखते। बात विनोद की है लेकिन एकदम अकाट सत्य है। देखिए, एक कथा में एक भाई बोले, महाराज आप तो 7 दिन से कथा सुना रहे हैं, ऐसा कोई मंत्र बताइए कि पति पत्नी में झगड़ा ना हो। मैंने कहा तू हम ही को बताओ ना, ऐसा कोई मंत्र? हंसी आती है। अरे भाई, आप जिसके पास रहोगे उससे नहीं होगा तो क्या मोहल्ले वालों से होगा? ये आनंद है जीवन का है? हमको इस पर हंसी आती है।
देखो आप जिसके साथ रहते हो उससे आपको उलझन हो, झगड़ा हो, तो आप समझदार हो तो मौन हो जाओ, हाँ खत्म हो जाएगा। झगड़ा कोई अकेले नहीं कर सकता है, आप मौन हो गए तो दीवाल पीटेगा वो, मौन हो जाओ खत्म। सती अम्बा ने क्यों मांगा, सिद्धांत में न जाइए, श्रुति स्मृति छोड़िए, सती अम्बा ने इसलिए मांगा कि शिवजी केवल मौन होते हैं, त्रास नहीं देते, कहते नहीं। और तो क्या, और के यहां तो न जाने क्या स्थिति हो, शिवजी भजनानंदी हैं परमार्थ।